आपका बेटा तो आपको मिल गया, लेकिन उन्हें बचाने के लिए मुझे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी ये कोई नहीं जानता। तुम्हें कीमत चुकानी पड़ी? आपका बेटा तो मर चुका था माजी, लेकिन उस तांत्रिक ने मंत्रों की शक्ति से मेरे नाक की जान निकालकर आपके बेटे में डाल दी, और मैं तब से अपने मरे हुए नाक को संभाल कर रखे हूँ इस उम्मीद पर कि कभी तो आपका बेटा यहाँ आएगा, मैं उसे काटूंगी और मेरा नाक जिंदा हो जाएगा। और वो एक दिन यहाँ आए, उनके अंदर मेरे पति की जान है, इसलिए मैंने उनके पांव छुए। फिर मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे मन की कमजोरी थी, मैंने उन्हें काटने की कोशिश की लेकिन वो बच गए। दोबारा किसी मौके की तलाश में मैं उनकी बग्घी से लिपटी आपकी हवेली पहुंच गई। वहां पहली बार मैंने एक माँ और बेटे का प्यार देखा, माँ की तड़पती हुई ममता देखी। मुझे लगा अगर उन्हें कुछ हो गया तो आप भी जिंदा नहीं रह पाएगी। मैंने आपके बेटे को डसने का इरादा तो छोड़ दिया, लेकिन अपने पति को पाने का नहीं। मैं एक इच्छाधारी हूँ, कोई भी रूप ले सकती हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि आपका बेटा आपसे छीन कर अपना सुहाग पाने से अच्छा है कोई ऐसा तरीका निकाला जाए कि आपका बेटा आपके पास रहे और मेरा सुहाग भी मुझे मिल जाए। इसलिए ये रूप लेकर मैं उनसे मिली। डरिए मत माँ जी, ये दोनों सांप हमारी रक्षा करने के लिए हैं। इन दोनों के होते हुए कोई भी मुझे और इस नाक को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं उस रूप में कभी नहीं आऊंगी, और आपसे विनती है आप उस तांत्रिक के पास कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे घर का विनाश अगर होगा तो उसी के हाथों होगा। क्या हुआ? माँ जनार्दन कह रहा था कि आपकी तबीयत अचानक खराब हो गई है। कुछ नहीं बेटा, ऐसे जरा थकान हो गई। रजनी कहाँ? बहू रानी मंदिर गई है, आज नागपंचमी है ना। और उसे बोला उसे माँ के पास रहना चाहिए। बेटा जी, परसों तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध है, पूजा के लिए गंगा जल चाहिए था, और हमारे घर की रीत है कि गंगा जल बेटा ही लाता है। क्या माँ, एक तो आपकी तबीयत ठीक नहीं है, उस पर आने जाने में 24 घंटे लग जाएंगे, और सच पूछे तो आजकल गंगा जल और नल के जल में फर्क ही क्या है? राजू, विलायत में चार अक्षर क्या पढ़ाए, अपनी परंपरा भी भूल गए? इतना नहीं जानते कि पिता का श्राद्ध बेटे का हक बनता है? वरना इतने सालों से मैं खुद जाकर गंगा जल लाती रही हूँ, और आज भी जा सकती हूँ। सॉरी माँ, मेरा मतलब आपके दिल को दुख पहुँचाने का नहीं था, अगर आप कहती हैं तो मैं चला जाता हूँ, वो बस रजनी आ जाए। रजनी को मैं बता दूँ। ठीक है, निकलता हूँ। जनार्दन, प्रणाम महाराज, आप ही का इंतजार था, अब इसलिए प्रतिष्ठित कार्य दुर्गानी महाराज। चिंता मत करो भाई, हम आ गए हैं, सब ठीक हो जाएगा। कुछ समय के लिए आप सब लोग यहां से बाहर चले जाइए, जब तक हम अपना कार्य पूरा नहीं कर लेते किसी की यहां छाया भी दिखाई नहीं देनी चाहिए। शिष्य, पूजा की तैयारी शुरू करो। ये आपने क्या किया मुझे?
मेरी जान तो जाएगी भैरवनाथ, मगर मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम फिर से यहाँ? तुम मान जाओ मेरे रास्ते से। छोड़ दो मुझे। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तू मेरा बिगाड़ भी कर सकती है, लेकिन अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे जरूर बर्बाद कर दूंगा। आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? जानती है, आज से 18 साल पहले तेरे नाग ने इसी जगह पर एक बच्चे को ढका था और मैंने अपनी तंत्र विद्या से उसे बचा लिया था। जानती हूँ, और ये भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि तूने मंत्रों की शक्ति से मेरे नाग की जान निकाल कर उस बच्चे में डाल दी थी। लेकिन तुम ये नहीं जानती होगी कि मुझे मालूम है कि तुम्हारा नाग एक मणिधारी नाग था। मुझे उस मणि का पता चाहिए जो तुम्हारे नाग ने बच्चे को जसने से पहले कहीं रख दी थी। उस मणि का क्या करोगे? मैं उसे पाकर इस संसार का सबसे शक्तिशाली आदमी बन सकूंगा। सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में होगी। वो मणि तेरी किस्मत में नहीं है भैरवनाथ। तू एक मामूली सी नागिन मेरी किस्मत के बारे में क्या जान सकती है? मैंने 40 साल तपस्या की है और ऐसी शक्ति पाई है कि मैं किसी भी नाग को अपने वश में कर सकता हूँ। मुझे अब वश में करने का सपना भूल जाओ भैरवनाथ, क्योंकि ठीक वक्त पर मेरे पति ने आकर तेरी पूजा भंग कर दी थी और तेरे इरादों पर पानी फेर दिया था। अगर तूने मुझे उस मणि का पता नहीं बताया तो मैं तेरे पति को मार डालूंगा। उसके मरते ही तुम्हारा नाग जीवित हो जाएगा और फिर मैं उसे मजबूर करूंगा कि मुझे उस मणि तक लेकर जाए। पति की जान बचाना चाहती है तो मुझे उस मणि का पता बता दे, मैं चुपचाप यहां से चला जाऊंगा और मैं इस राज को राजी रखूंगा कि तू औरत नहीं एक नागिन है। तो सारी दुनिया को बता दे, मुझे परवाह नहीं। मणि मिल जाने के बाद तू हजारों लोगों की जान ले लेगा। उनकी जान बचाने के लिए अगर मुझे अपनी जान की बलि भी देनी पड़ी तो कोई बात नहीं, लेकिन मणि का पता मैं तुझे कभी नहीं बताऊंगी, हरगिज नहीं बताऊंगी। तुझे बताना पड़ेगा।